एसएमएस अस्पताल से जो आ रही है, अस्पताल में 1AB वार्ड के पास लगी है आग। फैकल्टी रूम के अंदर यह आग लगी है। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, आग पर दमकल के ने काबू पाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है, आग लगने की वजह क्या सामने आई है और क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? खुशबू, देखिए, जैसे ही आज जैसे मंत्री भंवरलाल मेघवाल की एसएमएस अस्पताल से शिफ्टिंग हुई थी, उनको एयर एम्बुलेंस में ले जाए जाने के लिए रवाना किया था, उसके कुछ ही देर बाद में जो फैकल्टी रूम है, जो कि अधीक्षक कार्यालय के ठीक पास में मौजूद है फैकल्टी रूम है, वहां आग लगी थी। और आग भी एकाएक बहुत बड़ी आग लगी, क्योंकि शुरुआत में पता नहीं चला आग का, और जैसे ही धुआं निकला बाहर तब जाकर के अस्पताल में खलबली मची। और खलबली मचने के बाद जब अंदर जाके देखा गया तो जो फैकल्टी रूम है वहाँ पे जो सोफे रखे हुए थे, उन सफेद जो सोफे हैं वो दू दू उनमें से आग निकल रही थी। ऐसे में सूचना मिलने पर तत्काल एसएमएस अस्पताल प्रशासन के जो इंजीनियरिंग विंग के जो अधिकारी हैं वो तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोकल सिस्टम से आग बुझाने का प्रयास किया गया। लेकिन करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। एक फायर ब्रिगेड जो है वो मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले जो एसएमएस अस्पताल का लोकल सिस्टम बना हुआ है पूरा आग बुझाने को लेकर के, जो फायर फाइटिंग सिस्टम बना हुआ है, उससे आग को काबू पाया गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद जाकर के आग पर काबू पाया गया है। लेकिन उस दौरान पूरे अस्पताल में और खास तौर पर जो अस्पताल की मुख्य गैलरी है वहां पे बड़ी भगदड़ और खलबली देखने को मिली है। अस्पताल के जो मुख्य द्वार जो है वहां पे जितने भी शीशे लगे हुए थे उन सभी शीशों को आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर, उन शीशों को तोड़ा गया और तोड़ करके जो अस्पताल के अंदर जो धुआं ही धुआं भर गया था उसको बाहर निकाला गया है। जी विकास, क्या लगता है जिस तरह से अभी अस्पताल, खास करके जो एसएमएस अस्पताल है, बड़ी भूमिका निभा रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, ऐसे में आग लगी है, आप हालांकि ये कह रहे हैं कि आग को काबू पा लिया गया है, लेकिन सिचुएशन को नॉर्मल करने में कितना वक्त लग जाएगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए सिचुएशन, क्योंकि एक कमरे के अंदर ही आग लगी थी, हालांकि पूरे अस्पताल के जो गैलरी है मुख्य गैलरी उसमें धुआं ही धुआं हो गया था, लेकिन वहां कोई नुकसान जैसी कोई बात नहीं है, तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि कोई व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो शुरुआत के घंटे दो घंटे का जो समय निकला है उसमें जरूर मरीजों को और खासतौर पर जो कोरोना पीड़ित मरीज है और उनके साथ में जो परिजन जो है, जो अस्पताल के अंदर मूवमेंट जिनका हो रहा है, उनको जरूर दिक्कतें सामने आई। लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। जी जी, शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।